हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके इलेक्ट्रिक सर्च में स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे टीवी कैसे लगाएं, तो आप इंची टेप ले लेंगे, उसके बाद उसके स्टैंड को नाप के निशान लगा लेंगे। मार्कर से, स्क्रू ड्राइवर से आप निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद ड्रिल बढ़िया करिएगा। अगर जहाँ आप स्टैंड लगाना सीख गए तो समझ लीजिए टीवी आप लगाना सीख गए एकदम परफेक्ट स्टैंड, लेकिन बढ़िया लगना चाहिए। जैसे कि ऐसे आप नाप लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर नीचे देख लेंगे, ये फ्लेक्सिबल है। इस चाहे इतने दूर में चाहे जहाँ पे आप ड्रिल करेंगे, छेद करेंगे, वहाँ पे नट लगा देंगे, ये बैठ जाएगा। बस ये आप नाप के करिएगा कि अगल बगल मतलब ना हो, दूरी ना हो, बाकी आप चाहे जहाँ थोड़ा सा आगे पीछे उसको कर सकते हैं। ये 6 नंबर का फास्टनर लगा रहे हैं, ये बैठा दीजिएगा ऊपर, बैठा देना फास्टनर को। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे टीवी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। आप ज़्यादातर अगर जहाँ बड़ी टीवी है तो फास्टनर इस्तेमाल करिएगा 6 नंबर, अगर जहाँ वो नहीं है तो आप बड़ी गुल्ली, 2 इंच की गुल्ली और पेंच का इस्तेमाल करिएगा, बड़ा पेंच 2 इंच वाला। फास्टनर लगाने के बाद उसको टाइट करिएगा पहले, ये नहीं कि बस खोल लिए, फास्टनर लगा दिए खोल लिए, उसको पहले एक बार घुमा करके अच्छे से टाइट कर दीजिएगा, जिससे उसका लॉक टूट जाता है अंदर का। जब लॉक टूट जाएगा, देखिए जैसे हम टाइट कर रहे हैं, जब लॉक टूट जाता है उसके बाद फिर वो अंदर जाम हो जाता है उसके अंदर का, फिर उसके बाद उसमें उसका नट निकाल लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर इसमें 10 नंबर का गुटका लगता है 6 mm में। अगर ना आपको नहीं पता है किसमें कितने नंबर का लगता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कहाँ पर क्या लगता है, कहाँ पर क्या लगाना चाहिए। जैसे गीजर में हो गया, गीजर इंस्टॉलेशन में कितने नंबर का क्या लगाएं, तो फास्टनर कैसे लगाएं, अगर ना आपको नहीं जानकारी है तो हमारा दूसरा गीजर कैसे लगाते हैं हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। आरके इलेक्ट्रिक सर्च चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो यूट्यूब पर। इसमें कुछ रहता नहीं है, बस अगर ना आप स्टैंड ठीक से लगाना सीख गए तो आप सीख जाएंगे। आप इसको टाइट कर दीजिएगा, ये एडजस्टेबल है, बढ़िया स्टैंड है एडजस्टेबल वाला, इसको आप ऊपर आगे पीछे कर सकते हैं, अगल बगल कर सकते हैं, अगर जहाँ दूरी छेद हो जाए या कुछ हो जाए तो इससे ये फायदा है कि आप इसको निकाल के फिर से साइड में लगा सकते हैं। गुटके की सहायता से, टी चाहे गुटका कह लीजिए चाहे टी कह लीजिए, उसी की सहायता से या रिंच हो आपके पास उससे टाइट कर देंगे बढ़िया से। कहीं भी टीवी लगाना रहेगा ऊपर नीचे बढ़िया से नाप के अगल बगल, आप अगर यहाँ स्टैंड टेढ़ा नहीं लगाएंगे तो आपकी टीवी टेढ़ी नहीं लगेगी, बस सारा खेल स्टैंड पे ही रहता है। इंची टेप की सहायता से नाप करके पहले टीवी का पीछे का हिस्सा नाप लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ जितने पोल रहेगा उतने मैच करा बस ला के तुरंत स्टैंड कर देना। ऐसे एडजस्टेबल ये रहता है, दाएं बाएं कर सकते हैं आप इसमें, और सारा स्टैंड रहता है कुछ में जो है नहीं रहता है एडजस्टेबल, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आपको फिक्स जगह पे निशान लगा के ड्रिल करना रहता है, तो उसमें वैसा सिस्टम बना रहता है, बस यही सीधा करना रहता है, सीधे से लगनी चाहिए टीवी। अभी देखिए थोड़ा इधर है टेढ़ा है, अभी देखिए कैसे एडजस्ट हो जाएगा, पहले थोड़ा सा टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद तो देखिए उसको थोड़ा सा इधर भगा के फिर टाइट करेंगे, ये देखिए ज़्यादा हो गया, अभी इसको और टाइट कर देंगे जिससे ये कम भागे। कितनी भी बड़ी टीवी क्यों ना हो आप लगा सकते हैं, इंची टेप से ऐसे नाप लीजिएगा उसका छेद,
जो है जिसमें टीवी का वो घुसेगा नट, वहाँ टीवी का पहले नाप लीजिएगा, उसके बाद यहाँ का मिला लीजिएगा। जब आ जाए ऐसे ही नाप लेंगे, फिक्स आ जाए टीवी से और इसका होल मैच कर गया। अब इसको बैठा देंगे, जैसा आप देख सकते हैं कितना शानदार टीवी लगा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।